नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो जुड़ रही है आपके ही चैनल मैथ्स डैडी से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे ऐसे 9 फॉर्मूले जो आपको हर बार एग्जाम में देखेंगे और आपको हर बार उनमें परेशानी आती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले, जिनको हम कई बार स्टैंडर्ड फॉर्मूले या स्पेशल फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे एक साथ कैटेगराइज कर लिए हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये 3 एक्सरसाइज बटे हुए हैं, लेकिन मैंने पूरे इकट्ठे करके इनको ऐसा जोड़ा है कि आपको ये याद करने में भी आसान होंगे, समझने में भी आसान होंगे और इसको सॉल्व करने में भी आपको मजा आएगा। तो शुरू करते हैं फॉर्मूले। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशन बनाने को बोलूं, तो आप उसके किस किस तरह से फॉर्मेशन बना सकते हैं आप मुझे बताइए। कि आप बोलेंगे एक फॉर्मेशन तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसी का आप बोलेंगे बीच में लगा दो माइनस साइन, तो एक ये हो गया। अब इसमें आप बोलेंगे कि एक बार आप ए को पहले ले लें, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों चीज सेम है, पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग चीज है। तो हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा लिख सकते हैं। तो ये तो आपका पहला 3 फॉर्म हो गया। अब इन्हीं 3 फॉर्म को आप चाहें तो डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं भाई, तो आपके पास कुछ ये इस तरह से फॉर्म आ गए हैं। तो आप मुझे थोड़ा ध्यान से देखकर बताइए कि भाई मुझे इन सबका क्या करना है, मुझे इन सबका इंटीग्रेशन करना है। अगर मुझे इन सबका इंटीग्रेशन करना है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है भाई कि ये तो सबसे सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको हम पहले से ही करते आए हैं। जी हां, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन साइड अंदर चला जाएगा और दिस वुड बी लाइक। तो इसमें तो कोई खास फॉर्मूले की जरूरत थी नहीं, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद थे उसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेट करने पर आएंगे तो आपको परेशानी बढ़ेगी, इसको इंटीग्रेट करने पर आएंगे तो परेशानी बढ़ेगी, इसको इंटीग्रेट करने पर आएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। इसका मतलब और क्या क्या फॉर्म्स है जिसमें परेशानी बढ़ेगी? जी हाँ, अगर मुझे खेलना ही एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ है तो मैं इसके क्या क्या फॉर्म बना सकता हूं देख लेते हैं। पहले ये आ गया विदाउट रूट डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में था तो दिक्कत नहीं थी, तो ये अपने कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं बनेंगे, ये तो हमारे जनरल फॉर्म है जो हमें आते हैं। यहां पर हमारे स्पेशल सीरीज स्टार्ट होती है, यहां पर अगर सीरीज स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि भाई अगर ये एक बार विदाउट रूट आ जाते हैं तो एक बार विथ रूट भी आ सकते हैं। तो अरे अरे अरे, आप बोलेंगे क्या कि अगर ये विथ रूट वाले फॉर्मेशन भी कंसिडर करना है तो न्यूमरेटर में भी अगर, जी हाँ दोस्तों, न्यूमरेटर में भी अगर ये अगर रूट के साथ आ जाए तो परेशानी क्रिएट कर देंगे। तो आपका और कौन सा जनरल फॉर्म आएगा? कुछ इस तरह से। तो जिस तरह के ये 3 फॉर्म थे विदाउट रूट, अब उसी तरह के ये 3 फॉर्म आ गए हैं विथ रूट। हम ये मान सकते हैं कि भैया न्यूमरेटर वाले जो थे आपके विदाउट रूट वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे आते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब आपने बोला कि भाई डिनोमिनेटर में विदाउट रूट हो सकते हैं, तो फिर भैया डिनोमिनेटर में विथ रूट भी तो आ सकते हैं, देख लेते हैं भाई वो भी। तो ये आपके जनरल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो भाई आप मुझे बताइए कि अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? अभी तक हमने पढ़ लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 फॉर्मूले आपको बार 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 बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं और बार 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 ये आपको परेशान करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि भाई किस तरह से ये सवाल किए जाते हैं ऐसे याद कि भैया ये फॉर्मूले आपको रट जाए, आपको इससे परेशानी आए ना और इनके सवाल भी हमसे बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से इनको याद किया जाए। तो दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट तो ये है कि भाई ये वैल्यू आई कैसे, ताकि आप कभी मुसीबत में फंसो तो आप डिराइव भी कर पाओ। और दूसरा पार्ट कि बेटा याद कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको जो वीडियोस दिख रहे हैं
वो साफ साफ एक फॉर्म में दिख रहे हैं आपको कि भाई जब न्यूमरेटर की बारी थी तो न्यूमरेटर में था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब विदाउट रूट। विदाउट रूट तो हम सॉल्व कर ही लेंगे आराम से, लेकिन कभी अगर रूट में आ गया तो आप इसको ये तीन फॉर्म में लिख सकते हैं मैक्सिमम, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं होता। जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो एक बार होगा विदाउट रूट और एक होगा विद रूट्स। तो जब रूट के साथ होगा और रूट के बिना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक को पकड़ के डिराइव करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां पर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है जो फॉर्मूले की वो हमने पढ़ चुका है डिफरेंशिएशन ऑफ राइट। लेकिन यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां पर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको चाहूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कर सकता हूं, लेकिन उस चीज के लिए मुझे ए कॉमन लेना पड़ेगा। ले लेते हैं कॉमन, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो ठीक है ना। इसी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि मैंने यहां से 1 बाय ए कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी, तो यहां पर मैंने अगर ए स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आई एम लेफ्ट विथ 1 ओवर हेयर एंड आई एम लेफ्ट विथ एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, isn't it? इसका मतलब मैं इजिली इस चीज को इसके फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपने क्या कॉमन लिया था, 1 बाय ए स्क्वायर। तो याद रखने के लिए आपके पास ये हो गया है भैया कि यहां पर आएगा 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये याद करने की जुगाड़ थी भाई, याद करने की जुगाड़ थी। वैसे डेरिवेशन भी इससे मिलता जुलता ही होता है रियल में, लेकिन याद करने की जुगाड़ थी आपकी। वैसे ही जब आपके पास यहां पर आता है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको छोटा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है ध्यान सुनिए। तो दोस्तों यहां पर अब हम आते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। क्या है यहां पर भाई, क्या होगा? आपको एक ही फॉर्मेट याद रखना है कि यहां पर जब बात करेंगे तो आपको यहां पर 1 बाय 2a लिख देना है। पहले तो log ऐसा, ये क्या है, ये मॉड है। लॉग में हमेशा मॉड डलता है क्योंकि लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। लॉग का ग्राफ हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखे हैं, वो कभी नेगेटिव पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर आप देखिए लॉग के सामने मॉड लग गया। अब लॉग के मॉड के अंदर क्या लगेगा ये सोचना है। यहां पर आपको ये क्लैरिटी है कि भाई तीन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, वो भी डिनोमिनेटर वाले, ये सेम फैमिली के हैं राइट। और फैमिली में क्या है स्पेसिफिक यहां पे, कि यहां पे रूट नहीं है, डिनोमिनेटर वाले हैं और रूट नहीं है। वो होता है ना, है ना, उस फलानी कॉलोनी का लड़का शर्मा जी की फैमिली वाला, वैसे ही यहां पर भी हम एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं राइट। अब यहां पर जो फैमिली है, यहां पर आपको दो चीज करनी, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। छोटी सी कहानी ये है भाई कि जब भी आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा। तो यहां पर एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए होगा या फिर एक्स प्लस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए होगा। सिमिलरली जब आप यहां पे ओपन करेंगे तो या तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कारण ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, और या फिर आएगा ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। तो यहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक कहानी है छोटी सी भाई, आपको मार्क्स कैसे चाहिए एग्जाम में? आपको मार्क्स चाहिए हमेशा ए प्लस। जब आपको मार्क्स चाहिए ए प्लस तो ए प्लस पहले आएगा। तो इसमें तो ए प्लस की कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि यहां पर तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए होगा। यहां पर था आपकी गुंजाइश ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की। तो यहां पर पहले ए प्लस एक्स डाल दीजिए और नीचे ए माइनस एक्स डाल दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे भाई यहां पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सिक्वेंस में कैसे बोलते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी राइट। यहां पर एक्स माइनस ए पहले है, एक्स माइनस ए डाल दीजिए पहले। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन चुके हैं। तो इसी तरह से आपको इनको याद भी करना है। दोस्तों याद करने का तरीका जिस तरह मैं स्टोरी बना रहा हूं, हो सकता है कि आपके पास कोई बेटर आइडिया हो, वो बेटर आइडिया लगाइए। नहीं है बेटर आइडिया तो मेरी स्टोरी तो है ही राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला। दोस्तों यहां पर आपका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये वो फॉर्म है जहां पर स्टेटमेंट बहुत बार कॉपी हो रही है। कैसे कॉपी हो रही है, कि यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि भाई यहां पर इसको देखकर एक फॉर्मूला याद हमें आता है, वो ये वाला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था आपका, 1/√1 − x2। लेकिन यहां पर कुछ इस तरह की चीज आ गई है, और जब a कॉमन निकल जाएगा राइट तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जिस तरह से आपके पास वो 1 + x² वाला टैन इनवर्स का फॉर्मूला था, यहां पर जब भी आपके पास a² − x² आएगा तो यहां पर आएगा साइन इनवर्स पक्का। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए के फॉर्म में आने वाला है। उसके पहले अब हम क्या समझ लें कि यहां पर क्या जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट है यहां पर हर जगह x/2 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 याद कर लीजिए कि जब भी आपके पास रूट में न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला आएगा, याद रखिएगा रूट में न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला आएगा तो आपको यहां पर x/2 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 लिखना है राइट। और उसके बाद रूट तो है ही आपके फॉर्मूले में, जो बोला गया है वही का वही आप यहां पर लिख दीजिए। क्या बोला गया था यहां पर x² + a² आप भी लिख दीजिए। यहां पर क्या कहा था x² - a² आप भी लिख दीजिए। यहां पर क्या कहा था a² - x² आप भी लिख दीजिए। अब आपको यहां पर तो पता है कि यहां पर साइन आने वाला है। उसके पहले कुछ एक चीज और है जो कोई रटनी है, याद करनी है, क्या कि जिस तरह से आपने x/2 लिखा था वैसे ही एक बार आप फिर से a² / 2 लिख दीजिए। a² / 2 लिखने से आपको एक दो चीज याद हो गई, एक बार x/2 था एक बार a² / 2 था, आपने इतना याद कर लिया। अब उसके बाद आपको लगाना है log, यहां पर भी प्लस था यहां पर भी प्लस था, बस आपको याद रखना है ये चीज कि यहां पे आएगा माइनस। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारी चीजें याद करने को बोल रहा हूं, कैसे होंगी याद, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा लिख करके किस तरह से याद हो जाती है बहुत इजीली। भी आप ध्यान दीजिए बस, यहां पर फिर लॉग लगेगा। आपको अच्छी तरह बताया कि भैया x² - a² वाला फॉर्म था, यहां पे तो साइन इनवर्स आ रहा था, बस यहां पर लॉग नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा साइन इनवर्स x/a राइट। सिमिलरली यहां पर जो लॉग था वो वही चीज लॉग में लेकर आएगा जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बस एक चीज ऐड हो जाएगी x क्या है, क्या रूट वाली कहानी, क्या था क्वेश्चन x² + a² x² + a² तो दोस्तों अभी तक जो हमने याद किया है उसको एक बार लिख के देख लें, क्योंकि आपको यहीं पे दिक्कत आने वाली है। आपको मैंने क्या क्या याद कराया, सबसे पहले मैंने आपको याद कराया था एक फॉर्मूला जहां पर था आपके पास 1/x² + a², अगला था x² - x² x² - a² और था फिर a² - x² आपको मैंने इसमें याद कराया था कि भाई आपको tan इनवर्स लगाना है, tan इनवर्स वाला फॉर्म ये था और ये था आपका 1/2a और log करके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये भी था 1/2a log करके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये तीन फॉर्मूले तो आपको याद हो गए थे। जब मैं यहां पे आया तो आपको मैंने बताया कि जब भी आपको a² - x² मिलेगा तो आप इसको रिलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से और इसमें साइन इनवर्स लगा देंगे, क्योंकि यहां पर हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज मैंने आपको याद करने को बोली थी, जब भी आपके पास x² - a² आएगा वहां पर आप माइनस लगा देंगे। बाकी सेम फॉर्मेट था, आपको पहले करना था x/2 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 रूट के अंदर क्वेश्चन प्लस यहां पर आता आपके पास a² / 2 यहां पर a² / 2 log x + question log x + question log x + question। तो आपको मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हिंट मिल गई होगी, लेकिन वीडियो के आखिरी तक आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, देखते रहिए। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज करिए और जो मैंने 6 फॉर्मूले पढ़ाए हैं पहले वो एक बार रिवाइज करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि अभी आपको याद होने वाले फॉर्मूले ये कैसे है? क्योंकि देखिए 7वां फॉर्मूला क्या है आपका, रूट के अंदर डिनोमिनेटर, ये है आपके फॉर्मूले। ये अब और भी आसान है क्योंकि आपको ये वाला फॉर्म तो पता लग गया है, ये a² - x² है, फिर से वो साइन वाली याद आ गई होगी आपको, साइन वाली ये तो है आप फॉर्मूला, यहां पे क्या है साइन इनवर्स x/a खत्म। जी हाँ, और हाँ हर फॉर्मूले में प्लस सी लगाना मत भूलिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। मैं लगा इसलिए रहा हूं क्योंकि वो तो आपको पता है, अंडरस्टूड है कि जितनी बार आपका इनडेफिनेट चलेगा प्लस सी रहेगा। और यहां पर आप देखिए यहां पर क्या है √x² + a² भाई कुछ नहीं करना, अभी आपने सीखा था log के अंदर x + question लिखना, अभी आपने सीखा था log के अंदर x + question लिखना, आप question लिख दीजिए as it is, that's it, right? यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा,
यहां पर जो आपने इसके पहले के जो तीन फॉर्मूले सीखे थे वैसा ही लॉक के अंदर एक्सप्रेस क्वेश्चन जो कि है आपका प्लस सी, यहां पर भी क्वेश्चन प्लस सी, दैट्स इट। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बन जाते हैं मेरे भाई। 9 फॉर्मूले याद कर लिए चुटकियों में। अब एक बार रिकॉल करते हैं पूरा वीडियो, कैसे कैसे हमने फॉर्मूले लिखे। अब इस पार्ट को मिस मत करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो दोस्तों पहले तो हमारे मेन फॉर्मूले बनते हैं कितने, तीन 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 वाले, चार बार हो गया क्या? हाँ, कैसे? पहला तो ये वाला फॉर्मूला था आपका, अब इसी को माइनस करके लिख दिया और इसी को इस तरह लिख दिया। तो मेरे ख्याल से ये तीन फॉर्म तो आपको क्लियर थे। अब आप बोलोगे कि इसका तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल था कि यहां अंदर घुस जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल सिंपल सिंपल, ये तो हो गया। अब आपने कहा कि ये वाला फॉर्म हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, हमें आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब क्या आपने बोला कि एक बार इसको न्यूमरेटर में ले लो, राइट, फिर विद रूट ले लो, विदाउट रूट ले लो। तो एक बार हमने इसका फॉर्म क्या लिया, एक बार हमने इसी चीज को विदाउट रूट ले लिया, एक बार ले लिया रूट के साथ न्यूमरेटर में, और अगली बार ले लेंगे रूट के साथ डिनोमिनेटर में। आई होप ऑल दीज फॉर्म्स आर क्लियर टू यू। आपको पता है कि इससे ज्यादा फॉर्म पॉसिबल नहीं है, राइट? तो बेसिकली आपके पास मैक्सिमम खेलने के लिए ये 9 फॉर्म्स हैं, क्योंकि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब आपको इन तीन ग्रुप्स में एक एक हीरो मिल जाता है, एक ऐसा हीरो जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है और आपको अपना फॉर्मूला पहले ही बता देता है। कैसा फॉर्मूला? कि यहां पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका टैन इनवर्स का फॉर्म है। तो टैन इनवर्स लिख देता हूं पहले ही, अभी उसके आगे पीछे क्या है वो हम कर लेंगे डिसाइड, पर टैन इनवर्स तो इसने बता ही दिया है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर ऐसा ही एक हीरो मिलता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स का। तो जो भी कुछ आएगा सॉल्यूशन वो देख लेंगे, पर पहले ही लिख देते हैं भैया साइन इनवर्स, तो पहली कहानी खत्म हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं तो हमको फिर से समझ में आता है कि ये 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर जिस तरह था, यहां पर फिर से आ गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर फिर से आप साइन इनवर्स की कहानी लिख देंगे। तो बेसिकली हमें 1, 2 और 3 हीरो मिल चुके हैं हमारी मूवी के। अब आपको बस समझना है कि भाई कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करनी रहती हैं। यहां पर 1, 2, 3, तो पहली चीज तो आपने याद कर ली कि पहले हम हीरो ढूंढते हैं, ये तीन हीरो मिल चुके हैं। दूसरी चीज कि भाई जब ये ऐसा डिनोमिनेटर में विदाउट रूट फॉर्मूला आएगा तो सबसे पहले लिखना है हमको 1/2a, 1/2a, राइट? और यहां पर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको याद था कि भाई यहां पर जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हमने याद किया है कि वो फॉर्मूला था 1+x² का, तो 1 करने के लिए पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा a से, तो हमारा आ गया था x बाय a, और इसी को कवर करने के लिए आ गया था पहले एक 1/a, राइट? और प्लस c लगाना मत भूलिएगा फॉर्मूले में। अब यहां पर तो आपको पता था कि यहां पर दोनों में लॉग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता था, यहां पर भी लॉग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था। बस आपको रैंक कौन सी पसंद है, आपको रैंक पसंद है हमेशा ए प्लस, इसमें ए प्लस आने की संभावना ही नहीं है, राइट? क्योंकि प्लस ए आएगा, प्लस ए थोड़ी रैंक चाहिए हमको, हमको चाहिए ए प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस ए आएगा पहले, जो लिखा हुआ है ना वही पहले आएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ऊपर आएगा एक्स माइनस ए, ये आएगा एक्स प्लस ए। वैसे ही जब हम यहां पर आएंगे तो आप बोलेंगे अरे ए माइनस एक्स होना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको रैंक चाहिए कौन सी, ए प्लस चाहिए। कैसे भी करके आए, मैथ स्टडी से आए, आपके खुद से पढ़ के आए, पर रैंक चाहिए आपको ए प्लस, तो हमेशा ए प्लस से स्टार्ट होगा, अब बचा हुआ नीचे आएगा। तो ये आपका पहला स्लॉट खत्म हो गया। अगली बार जब इस पे आए तो आपको याद आ गया कि ये वही वाले फॉर्मूले जहां पे रूट के साथ न्यूमरेटर था, तो यहां पर हमें कुछ लंबा, जब भी रूट के साथ मतलब तख्त
मुकुट के साथ, रूट के साथ, जब न्यूमरेटर पर मतलब ऊपर बैठा हो तो कहानी लंबी हो जाती है। याद रखिएगा, तख्त के साथ है ना, इतना बड़ा मुकुट के साथ जब तख्त पे बैठा हो, न्यूमरेटर बैठा हो, तो कहानी लंबी हो जाती है। तो यहां पर लंबा क्या क्या होता है बताइए। एक्स बाय टू रहता है पहले, तो एक्स बाय टू के साथ क्वेश्चन, एक्स बाय टू के साथ क्वेश्चन, एक्स बाय टू के साथ क्वेश्चन, और उसके बाद आता है यहां पर ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू और ए स्क्वायर बाय टू। याद रखना, अब सब में लगता है प्लस, लेकिन जैसे ही आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे माइनस लग जाता है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो माइनस लग जाता है, और यहां पर लग जाता है सब में लॉग एक्स प्लस पूरा क्वेश्चन, लॉग एक्स प्लस पूरा क्वेश्चन, और यहां पे तो साइन इनवर्स लग चुका है। और साइन इनवर्स में भी क्या लगेगा, एक्स बाय ए, जिस तरह यहां पे था टेन इनवर्स के साथ, वैसे यहां पर साइन इनवर्स के साथ हो जाएगा। और यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है क्या, कि एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, लॉग क्वेश्चन, लॉग क्वेश्चन, लॉग क्वेश्चन, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, और यहां पर तो साइन इनवर्स था, आपको पता था ये हीरो है। और यहां पर आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइम पर माइनस साइन लगेगा। अब क्वेश्चन लिख दीजिए यहां पर डायरेक्ट, तो दिस इज हाउ वी लर्न द फॉर्मूला। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे तो और आसान है, जब भी भैया इतना बड़ा तख्त रखा है पर अगर सरकार गिर गई, डिनोमिनेटर पे आ गई, तो क्या बचा, अरे चले गए ना गांधी परिवार पूरे, है ना, एस्केप मोड पे, तो यहां पर भी क्या इज्जत बची, छोटा सा आंसर आएगा, छोटा सा आंसर, वो भी टुकड़ों पे, पलेंगे टुकड़ों पे, तो टुकड़ों पे किसके, बाजू वाले के, बाजू के पास क्या था, एक्स प्लस क्वेश्चन, एक्स प्लस क्वेश्चन, एक्स प्लस क्वेश्चन लॉग के साथ, तो यहां पर भी वही आएगा। तो बस आपको लॉग लिखकर एक्स प्लस क्वेश्चन ही लिखना है, और सब में प्लस सी लगा दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा, मेरे अगले वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं ढेर सारे, तो भूलिएगा मत, लिखिए इन्हीं को, इसी फॉर्म में याद करिएगा, और यही स्टोरी अगर आपके पास बेटर स्टोरी है तो आप यूज करिए, अदरवाइज वही तख्त वाली न्यूमरेटर पे, तख्त वाली डिनोमिनेटर पे, राहुल गांधी परिवार, गांधी परिवार और किसी काम तो आया नहीं, इस काम जरूर आएगा आपके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। Boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak.